फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब? आज मंडे है और आज मैं मंडे का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ बाहर, मुझे बाहर जाना है, बेटा की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट है तो अपनी क्लास ले रहा है। तो चलिए चलते हैं बाहर। और बाहर आज मैं क्यों जा रही हूँ, आज ना मुझे बैंक का थोड़ा सा काम है तो इसलिए मैं जा रही हूँ, और हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ, अकेले नहीं जा रही अभी। वो ना ऑफिस भी नहीं गए, मुझे छोड़ के फिर चले जाएंगे ऑफिस घर पे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही काम है बस, मुश्किल से आधे घंटे के में ही मतलब हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बाहर। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाहर निकलने का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन जाना मजबूरी है। तो पहले तो मैं आई हूँ यहाँ पे अपने बेटे की फीस जमा कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्यू हो गई थी, इसलिए छोटे वाले बेटे की, विशु तो निकल गया कॉलेज में आ गया, तो छोटे वाले बेटे की फीस जमा कराने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, काफ़ी टाइम से ड्यू चल रहा है। तो पहले बेटे की फीस जमा करा देती हूँ, उसके बाद चलते हैं बैंक, थोड़ा सा बैंक का काम है तो वो निपटा लूँगी। चलिए जी, स्कूल तो आ गया, स्कूल के अंदर ही हैं हम। तो चलिए जी, हो गई फीस जमा, अब चलते हैं दूसरा काम निपटा लेते हैं फटाफट से। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और फटाफट से काम निपटाने। मौसम कभी अच्छा हो जाता है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बादल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना पहले मेरा डेली का आना होता था, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों स्कूल में थे ना उस समय पे, छोटे थे तब मैं बच्चों को लेने आया करती थी तो यहाँ पे, और अब तो काफ़ी टाइम के बाद आना होता है। और अब तो लॉकडाउन के चक्कर में तो काफ़ी टाइम से आई नहीं, तो फीस भी ड्यू चल रही थी तो अभी फीस भरी है। तो अब थोड़ा सा काम है जो वो भी निपटा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद चलते हैं घर। ऐसा थोड़ी तो लाइन लगी हुई है, खड़े रहो, पहले इंतजार करो, उसके बाद जाना है ऊपर, गर्मी में मरते रहो। मुझे छोड़ के मैंने भाग गया, मैं देखते कहाँ चले गए, आपने बोला जाओ, मतलब बोला इस पर बोला कि जल्दी चले जाओ। चलिए इंतजार करते हैं, यहाँ पे खड़े होके काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा। लंबी लाइन लगी हुई है तो हस्बैंड ने बोला मैं खड़ा हुआ हूँ लाइन में और तुम जाके थोड़ा सा घूम के आओ। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे राउंड लगा लेती हूँ, थोड़ा सा घूम लेती हूँ मार्केट में, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी एकदम घुटन टाइप में। तो थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेती हूँ 10 मिनट के लिए, बोला 10 मिनट में आ जाना, 10 मिनट इंतज़ार करती हूँ, इंतज़ार करूँगा। तो मैं 10 मिनट के लिए राउंड लगा लेती हूँ यहाँ पे, फिर चलती हूँ। पता है हम जब मेहंदी लगाने के लिए आते हैं ना करवा चौथ पे, तो मैं इसी जगह पे आती हूँ, ये है अलकनंदा मार्केट, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। नाइट में तो बहुत ही अच्छा लगता है, खाना वाना खा के यहाँ पे आओ ना घूमने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा टाइम हो गया लाइन में लगे लगे, काफ़ी हालत ख़राब हो गई, कम से कम 2 घंटे हो गए हम लोगों को 2 घंटे से लाइन में लगे हुए, तब जाके नंबर आया, फिर अपना काम किया, अब चलते हैं घर पे। तो चलिए जी अब चलते हैं घर पे। यार कितना टाइम हो गया, मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पे लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन। आज छुट्टी करूँ दोस्तों, आज पूजा की सेवा में लगा हुआ हूँ घर पे। अब हम आ चुके हैं घर पे और सबसे पहले मैं आई हूँ नहा के, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना आज का जरा सा बाहर निकलो तो नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैं नहा के आई हूँ। आज मेरा फास्ट भी है तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो सबसे पहले पीऊँगी पानी पी के फिर कुछ खाऊँगी, फ्रूट्स खाऊँगी मतलब, तो देखती हूँ क्या है घर में तो वही खाऊँगी। अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा अंदर, अब मुझे रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के बाद अभी मेरे नेचुरल पूजा चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, और उस वीडियो का लिंक दे दूँगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो अब चलती हूँ अंदर, थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, और खा के फिर मुझे क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है।
अब पीते हैं चाय। मेरा चाय का टाइम हो गया और बाहर देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ये देखिए बारिश हो रही है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम भी ठंडा हो गया तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। वैसे भी चाय का टाइम हो गया, 3:30 हो गए, चाय का टाइम भी हो ही गया, अच्छा भी लग रहा है। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स का ना रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स का मैंने रिप्लाई भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया तो सोचा आप कर देती हूँ। चाय भी पी लेती हूँ, रिप्लाई भी कर देती हूँ। चाय पीजिए गर्मा गर्म। मेरी चाय तो ठंडी हो रही है पर। हाँ बेटा आप चाय पी लीजिए। तो फिर वीडियो शूट कौन करेगा? बाहर देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, काफ़ी अच्छी हवा भी है और बारिश भी, दोनों ही काफ़ी एक साथ हो रहे हैं। और मेरे पास भी यार एक हल्की हल्की बूंद है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। गर्मी बहुत ही मौसम हो रहा है। तो दोस्तों ये मैं फ़ोन लाया था फ्राइडे को 15 अगस्त से पहले, ओप्पो F15। काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके, क्वाड पिक्सल का कैमरा है इसमें और 8GB रैम प्लस 128। दिखाओ थोड़ा पास से तो दिखा दो स्टोरेज इसकी। पापा ने दिया है ना? नहीं मैंने खरीदा मेरा। मम्मी ने दिया कि पापा ने? जब मैं काम करने आता हूँ ना, कमाई से मैंने खुद खरीदा। कौन सा काम करने जाता है बेटा? जिस दिन कमाने लगोगे ना, जो काम करता हूँ 8GB उठाता हूँ ना साइड वाले मकान में। जिस दिन काम करने लगोगे ना उसने पता नहीं क्या होगा, अभी तो कुछ करते नहीं कुछ नहीं, फिर भी फ्री फोकट पे मिल रही है सारी चीज़ें, समझे? तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आ गई किचन में, अब मैं बना लेती हूँ अपना लंच जो मैंने कि बनाया नहीं था। तो आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ सोया राइस जो खाने में लगते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, मेरे घर में तो बहुत ही अच्छे से मतलब सबको पसंद है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, जब ये गर्म हो गया था इसमें मैंने लिए काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, इनको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया। जब ये थोड़ी सी चटकने लगी थी तब मैंने इसमें हींग और जीरा दोनों एक साथ डाल दिए, और जब ये थोड़ी सी ये भी मतलब जो जीरा था थोड़ा सा फ्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक, इनको मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है तो हल्का सा डाल के इन्हें मैंने हल्का सा भून लिया। तो देखिए भूनने के बाद अब मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, प्याज। तो प्याज को मैंने इस तरीके से कट करके रखा हुआ थोड़ा सा लंबा लंबा करके, और ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। तो चलिए प्याज को भी मैं हल्का सा भून लेती हूँ, प्याज को मुझे तब तक भूनना है जब तक प्याज का जो कलर है ना हल्का सा चेंज नहीं हो जाता तब तक। तो देखिए यहाँ पे जो प्याज का कलर है हल्का सा चेंज हो गया आप देख सकते हो, है ना। अब मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे टमाटर, तो टमाटर को भी इस तरीके से मैंने डाल दिया। और हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को तो इतने ज़्यादा पसंद है कि मम्मी जितना आप राइस डाला करो ना उतने ही आप सोयाबीन डाला करो। तो देखिए जो सोयाबीन थी इनको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा, उसके बाद इनका जो सारा पानी था इनको निकाल लिया, अब मैंने इनको डाल दिया। डालने के बाद अब मैं इन्हें अच्छे से भून लेती हूँ। मैंने इनको कितनी देर भुना था, 5 मिनट के लिए मैंने सोयाबीन डालने के बाद इस सारे मसाले को अच्छे से भुना था। तो देखिए अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ मसाले जो मैं आपको बता देती हूँ। ये है हल्दी पाउडर, ये मैं थोड़ा सा लिया था लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये है नमक अपने स्वाद अनुसार, और ये है मैंने डाला है गर्म मसाला पाउडर। और डालने के बाद इन सबको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स। जो हमारी सोयाबीन है ना थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, आप चाहो तो इन्हें ऑयल में पहले डाल सकते हो, लेकिन ऑयल में मैं पहले इसलिए नहीं डालती, इन्हें ऑयल में हम पहले डाल देते हैं तो सारा ऑयल ये सोख कर लेती है, तो फिर बाद में और ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए। तो देखिए इन सबको भूनने के बाद अब मैंने लिए राइस, और ये नॉर्मल राइस है जो चावल का टूटा हुआ चावल आता है ना वही चावल है ये, और इनको लेके पहले मैंने साफ अच्छे से धो लिया 3 से 4 पानी में, सारा पानी निकाल दिया। अब मैंने डाल दिया चावल को इसके अंदर, अब मैं कर देती हूँ इन सबको अच्छे से मिक्स। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया, जो मेरा कुकर है ना पता नहीं कैमरे में इतना काला क्यों नज़र आता है अंदर से, लेकिन इतना काला है नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा ही काला नज़र आता है। तो इसमें मैंने डाल दिया पानी, और पानी में अपने मतलब आइडिया से डाल देती हूँ, मैं बनाती रहती हूँ ना तो मुझे आइडिया में नाप के नहीं डालती कि इतने चावल के लिए इतना पानी डालना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 लेमन, तो इसका जूस मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, आप चाहो तो 1 पूरा लेमन भी डाल सकते हो, इससे क्या होता है जो हमारे चावल है ना थोड़ी सी खिले खिले बनते हैं और स्वाद भी उनका अच्छा आता है। तो देखिए इन सबको कर दिया मैंने अच्छे से मिक्स, और अब मैं कर देती हूँ कुकर को बंद।
तो इसका जो ढक्कन है मैं इसको बंद कर देती हूँ। बंद करने के बाद मैंने इसकी जो सीटी थी इसको चेक कर लिया कि कुछ फंसा तो नहीं है इसके अंदर। कभी कभी ये सब चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा हमें मतलब दुखदाई होती है, हम ध्यान नहीं देते, इनमें फंस जाता है तो फटने के ज़्यादा चांस होते हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ पर सीटी आ चुकी है, दो सीटी में मेरे चावल पक्के हो जाते हैं तैयार। तो देखिए दो सीटी आने के बाद जब उसकी गैस पूरी तरीके से निकल चुकी थी तब मैं इस कुकर को इसके ढक्कन को खोलती हूँ, मतलब उससे पहले नहीं खोलती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आह क्या खुशबू आ रही है, मेरे चावल बनके हो गए तैयार। तो चलिए अब मैं करती हूँ सर्व। तो यहाँ पे मैंने चावलों को सर्व किया दही के साथ, और दही के साथ सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दही में मैंने डाला है काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक, ये सब अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। आप चाहो तो उसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो। ये मैंने रखा है आम का अचार। तो हम लोग तो ये जो सोया राइस होते हैं ना इसी तरीके से दही के साथ खाते हैं। तो चलिए आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है। आज मैं मतलब आज मैंने क्या क्या किया, कितनी ज़्यादा मैं आज का दिन मेरा कैसा निकला, सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया और सारा मतलब रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो ऐसा ही आज का दिन मेरा निकला। तो बस अब मैं इस व्लॉग का एंड करने के लिए जा रही हूँ और एंड कर देती हूँ फटाफट से। बेटे विश्वास ये देखो कितना मग्न हो रहा है ना फोन में। पापा क्या बोल के गए थे बेटा, आज आप लोगों को ना मेरे हस्बैंड से बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला क्योंकि आज ऑफिस ना लेट गए थे। मैंने बताया था ना हम लोग बाहर गए थे, तो बाहर जाके हम लोग कितनी लेट आए थे घर पे, करीबन आए थे हम 1 या 1:15 बजे, इतना टाइम हो गया था। फिर आके नहाना धोना किया, उसमें काफ़ी लेट हो गए थे, उसके बाद वो ऑफिस गए तो इसलिए आज लेट हो गए, ऑफिस से भी आए नहीं है, नहीं तो वो ब्लॉग में ज़रूर आते और आप लोगों को अच्छा भी लगता है उनसे बात करना, वो हंसी मजाक करते ही रहते हैं इसलिए। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करने के लिए जा रही हूँ। आपको कैसा लगा, तो जैसा भी लगा अच्छा लगा हो तो अच्छा लगेगा मुझे पता है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है। ओके बाय, टेक केयर, लव यू। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नए ब्लॉग में। ओके बाय।